हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका ट्रेनर अजय वायुद ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज के जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है वॉइस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि डेटा को एक्सचेंज करना, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना। अब कम्युनिकेशन का ये भी मतलब होता है कि सिंपल से वर्ड में कहें तो बात करना, ठीक है। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं कुछ डेटा के बारे में बात करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। जैसे और सरल शब्द में कहा गया तो जैसे आप किसी से पूछते हो कि आप कैसे हो, तो आपने एक दूसरे को मैसेज पूछा ना कि कैसे हो, तो उसने जवाब में जो भी दिया वो आपका होता है कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन करने के तरीके अलग अलग होते हैं, कई मीडियम होते हैं। तो आइए उस बारे में हम जानते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। All of us use communication skills when we use them at home with our family members, at school or college with our classmates and teachers, in the workplace with our bosses and colleagues, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हम सभी लोग कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का यूज करते हैं, ठीक है। चाहे हम फैमिली मेम्बर्स के साथ हों, ठीक है, स्कूल कॉलेज में हों, क्लासमेट्स के साथ हों, टीचर्स के साथ हों, या कहीं काम कर रहे हों, ठीक है। तो हम कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करते रहते हैं। और ये भी चीज़ है कि बिना कम्युनिकेशन के जो लाइफ है वो कुछ भी नहीं है। तो अगर इस वर्ल्ड में हम हैं, इस दुनिया में हम हैं, तो हमको कम्युनिकेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप कम्युनिकेशन नहीं करोगे किसी के साथ तो कुछ भी चीज़ ना आप समझा सकते हो, ना आप अचीव कर सकते हो, ना कुछ आप पा सकते हो, ठीक है। तो कम्युनिकेशन करने का मतलब भी कई तरीके से होता है, चाहे हम लिख के करते हैं, या तो बोल के करते हैं, या तो इशारों में करते हैं, है ना। तो ये हो तो हो गए मीडियम कम्युनिकेशन के, ठीक है। अब कम्युनिकेशन में होता क्या क्या है? कम्युनिकेशन में हम डेटा एक्सचेंज करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, न्यूज़ एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। जिस भी पर्पज़ में हम बात करते हैं वो हमारा पर्पज़ हो जाता है कम्युनिकेशन का, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए वन और कंप्यूटर्स विल बी आंसर ईमेल्स एंड वन ऑन द टेलीफोन विल यू ऑर्डर पिज्ज़ा, ठीक है। ऑन अ कंप्यूटर, जब हम अपने कंप्यूटर पे एक ईमेल का आंसर दे रहे होते हैं या एक ईमेल लिख रहे होते हैं, आप जब व्हाट्सएप पे कोई मैसेज लिख रहे होते हैं, मैसेज में कोई मैसेज लिख रहे हो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो भी चीज़ आप यूज कर रहे हो, जब भी आप कोई ईमेल या मैसेज लिख रहे हो वो कहीं कहीं आप कम्युनिकेशन ही कर रहे हो, ठीक है। तो आज के ईमेल से कम्युनिकेशन करना मतलब डिजिटल कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। और जब आप एक पिज्ज़ा ऑर्डर कर रहे हो तब भी आप टेलीफोन से कम्युनिकेशन करते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का मीडियम और कम्युनिकेशन का वे अलग अलग होता है, बट कम्युनिकेशन होना इज वेरी मस्ट, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। बिना कम्युनिकेशन के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ना किसी से करवा सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट कम्युनिकेशन इज द लाइफ ब्लड ऑफ सोशल एज वेल एज बिजनेस वर्ल्ड, ठीक है। कम्युनिकेशन करने का ये है कि लाइफ ब्लड है, एक लाइफ हमारे जैसे जिंदगी चलती है, जिंदगी जीने के लिए हमको कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। अगर आप बिजनेस में हो, बिजनेस वर्ल्ड में हो, कोई बिजनेस आप कर रहे हो, तो भी आपके लिए कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजनेस में जब तक आप क्लाइंट नहीं बनाओगे, कस्टमर नहीं बनाओगे, तब तक आप अपने बिजनेस को एक्सपांड नहीं कर सकते हो, बढ़ा नहीं सकते हो, ठीक है। तो किसी भी कंडीशन में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, कहीं भी आप हो, तो कम्युनिकेशन इज मस्ट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब मतलब क्या है समझते हैं उसका। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है बाई विच हम देते हैं, रिसीव करते हैं, एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन को, ठीक है। जो भी हमारा चीज़ होता है एक प्रोसेस के थ्रू जाता है, ठीक है। और जो कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं या तो हम उसमें इंफॉर्मेशन देते हैं, या तो इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, या तो कोई भी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज करने का मतलब ये होता है कि जैसे हम आपसे कुछ पूछे और आपने हमको कुछ बताया, तो वो हो गया एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन का मेन मतलब है। टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझने के लिए है, आप के लिए हम कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। समझने का मतलब क्या होता है? अगर आपने कुछ कहा, मैंने उस चीज़ को ठीक से समझ लिया, तब तो मैंने समझ लिया। आपने कुछ कहा और मैंने उस चीज़ को नहीं समझ पाया, मैं कुछ कहा आप उस चीज़ को नहीं समझ पाए, तो क्या आपको लगता है कि कम्युनिकेशन हुआ है? नहीं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जो इन्फॉर्मेशन, जो डेटा आप शेयर कर रहे हो वो उस इंसान तक वही पहुंचना चाहिए जो आप कह रहे हो या बता रहे हो, ठीक है। टू अचीव अ रिजल्ट ऑफ सम काइंड, ठीक है, किसी तरीके का रिजल्ट आपको पाना है तो कम्युनिकेशन कर रहे हो। जैसे आप किताब पढ़ रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो,
तो बुक से भी तो आप कम्युनिकेशन करते हो। जब आप बुक्स पढ़ते हो तो बुक्स आपको क्या देता है, नॉलेज देता है, ज्ञान देता है, इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो आप वो इन्फॉर्मेशन या ज्ञान लेके क्या करते हो, उसमें कुछ तो अपने लाइफ में आप बनने की कोशिश किए हो ना, आपने कोई ना कोई जरूर सपना देखा होगा। तो कम्युनिकेशन सोचो आपको कहाँ से कहाँ तक ले जाता है, कौन सा प्लेटफॉर्म देता है, ठीक है। तो पास इन्फॉर्मेशन टू अनदर पर्सन, किसी दूसरे को इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए कम्युनिकेशन होता है। जैसे पहले हम मैसेज लिखते हैं, है ना, या तो जैसे हम कोई कुरियर कर रहे हैं या कुछ डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं, तो कुछ इन्फॉर्मेशन तो उसमें होती है ना। अब मीडियम अलग होता है, एक चैनल अलग होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको कम्युनिकेशन के ड्यूरिंग करनी चाहिए। इट कैन इन्वॉल्व स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि कम्युनिकेशन में या तो आप बोल के कर सकते हो, या तो लिख के कर सकते हो, या तो सुन के भी कम्युनिकेशन होता है। क्योंकि जब आप कुछ कहोगे तो सामने वाला जाहिर सी बात है सुनेगा। अगर सामने वाला कुछ आपसे कहेगा तो जाहिर सी बात है कि आप सुनोगे। ऐसा तो नहीं कि बिना सुने या बिना देखे बिना पढ़े कोई कम्युनिकेशन हो जाए, पॉसिबल है, नहीं हो सकता है ना। तो कहने की मतलब कि कम्युनिकेशन के कुछ चैनल होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, वो आपको फॉलो करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा से कम्युनिकेशन कर ले रहे हो, देन यू आर वेरी गुड। यू आपको लगता है कि आप कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, देन इशू डिलन, ठीक है। आपको सीखना चाहिए कि आप कैसे कम्युनिकेशन करोगे और कम्युनिकेशन से क्या क्या चीज़ें आप अचीव कर सकते हो। आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम ओवर करते हैं। थैंक यू।